चलिए इसका सिक्स नंबर देखते हैं, इसका LHS लीजिए। दिया है साइन एक्स बाई टू साइन 7x/2 प्लस का साइन 3x/2 और साइन 11x/2। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ भी 2 से डिवाइड और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 साइन 7x/2 को पहले लिख देते हैं और फिर साइन x/2 को, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं, 2 साइन 11x/2 और साइन 3x/2। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन ए साइन बी का, कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस का कॉस ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर 1/2 अंदर हो जाएगा आपका कॉस कॉस 7x/2 माइनस का x/2 और फिर माइनस कॉस 7x/2 प्लस का x/2। फिर यहाँ पर उसी तरह से हो जाएगा कॉस कॉस आ जाएगा आपका 11x/2 माइनस का 3x/2 फिर माइनस कॉस 11x/2 प्लस का 3x/2, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस या 6x/2 यानी कि 3x आ जाएगा माइनस कॉस 8x/2 यानी 4x आ जाएगा। कॉस यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8x/2 यानी कि 4x आ जाएगा और फिर माइनस कॉस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 14x/2 यानी कि 7x आ जाएगा, ठीक है। ये इससे यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद 1/2 यहाँ देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्म लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन साइन सी प्लस डी बाई 2 और फिर साइन डी माइनस सी बाई 2, ये ना फॉर्मूला हो जाएगा। ये 2 से 2 आप यहाँ काट देंगे यानी कि साइन 5x और यहाँ पर 4x/2 यानी कि 2x, यानी जो हमें RHS में लाना था साइन 2x और साइन 5x वो हमें मिल गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख